फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल डेली बिजनेस, और डेली बिजनेस स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बताएंगे RNFA के एक ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम के बारे में, जो आप स्क्रीनशॉट देख के आपको पता चल चुका है। मैंने ट्रांसफर पर ट्रांजेक्शन किया था बट पेमेंट डेबिट हो गया, बट कस्टमर के वॉलेट पे अभी तक नहीं पहुंचा है। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हो, तो चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। RNFA की आईडी चाहिए मुझसे कॉन्टैक्ट करके प्रोसेस कर लेना, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं RNFA के रिटेल एप्लीकेशन पे हूँ, और यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए आपको जाना होगा ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे, और राइट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे इधर एक ट्रांजेक्शन शो कर रहा है जो कि 1490 रुपीज़ का है, जो कि मैंने SDFC बैंक में ट्रांसफर किया था। अभी यहाँ पे देखो स्टेटस पार्क्ड है और मेरे पास ऑप्शन दे रहा है कैंसिल ट्रांजेक्शन। सिंपली मैं कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन ले रहा है, आर यू श्योर टू कैंसिल दिस ट्रांजेक्शन, तो सिंपली येस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं आएगा, बैक बटन पे क्लिक करना और सीधे दोबारा इस पे क्लिक करना। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजेक्शन कैंसिल एंड रिक्वेस्ट टू रिसीव इट विल बी टेक मैक्सिमम 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स के अंदर पेमेंट्स आपके वॉलेट पे आ जाएगा। तो 5 मिनट वेट करता हूँ, फिर आगे मैं आपसे बात करता हूँ। सो कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ पे चला गया, तो मेरे पास दो ऑप्शन अभी मिल रहा है, एक तो मिल रहा है क्लेम रिफंड और एक मिल रहा है री इनिशिएट। तो अगर आप इस ट्रांजेक्शन को दोबारा प्रोसेस करना चाहते हो तो आप री इनिशिएट पे क्लिक कर सकते हो, आइदर आप आपके पास ऑप्शन है आप यहाँ पे क्लेम रिफंड कर सकते हो। तो मुझे जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस करना है, कस्टमर को देना है पैसा, तो इसलिए मैं री इनिशिएट पे क्लिक करूँगा। उससे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और री इनिशिएट पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो दोबारा कन्फर्मेशन आ रहा है, बट मुझे नहीं करना है, थोड़ा गलती से मिस्टेक भी हो सकता है। तो आप इधर क्लेम रिफंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक OTP जाएगी कस्टमर की रजिस्टर्ड मोबाइल पर, जो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी, और OTP एंटर करते यहाँ पे क्लेम रिफंड प्रोसेस कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे OTP ऑलरेडी सेंडेड है, तो बस वेट करो, यहाँ पे OTP आ चुका है RNFI के पास, इसको मैं एंटर करता हूँ। एंटर करते आपको सिंपली गेट रिफंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर इधर से काम नहीं होता तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली रिफंड, और यहाँ पे भी स्टेटस बता रहा है रिफंड। तो अब हम वॉलेट पे भी चेक करेंगे, हाँ पहले पेमेंट जो है पर रिफंड आ चुकी है। तो कुछ इस तरह आप इस रिफंड को प्रोसेस कर सकते हो, बट चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल डेली बिजनेस को सब्सक्राइब करो, नया आईडी चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके प्रोसेस करो, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर सब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।